हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इवेलुएट द फॉलोइंग, सो ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर, इन सबको इवेलुएट करना है। इवेलुएट करने का मतलब होता है कि इसको हम सॉल्व करके वैल्यू निकालें, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। करना क्या है कि हम अंदर से सॉल्व करते करते बाहर आएंगे, ठीक है। तो अंदर क्या किया है, फाइव स्क्वायर दिया है, तो इसको हम सॉल्व करके मीन्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, फिर ऐसे बाहर जाते जाएंगे, ठीक है। तो बस देखिए ध्यान से कैसे होगा। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा 25 प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई करेंगे तो, राइट। इसका होल पावर है 1/2 और आफ्टर दैट दिस इज पावर 3। अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिए, मिल जाएगा 25 प्लस 144 169 और ये ब्रैकेट हम लगाए रहेंगे क्योंकि इसका पावर अभी है, सॉरी 1/2 है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्यूब है आपका, ओके। अब देखिए 169 को क्या हम समथिंग के स्क्वायर के फॉर्म में ले सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि 169 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है ना, इसीलिए हम यहाँ पर सोच रहे हैं उस तरीके से कि हम इसका स्क्वायर करेंगे ताकि ये 2 कैंसिल आउट हो जाए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 13 स्क्वायर होल पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट जब खोलेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों पावर, क्योंकि हम जानते हैं कि ए टू द पावर एम जब रहता है और होल टू द पावर एन रहता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से, एम इंटू एन मीन्स जो एक्सपोनेंट रहते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, ठीक। वैसे यहाँ भी करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 एंड टू द पावर 3। देखिए यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद आ जाएगा 13 का क्यूब, और 13 का क्यूब क्या होता है, 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, सो इट कम्स टू बी 13 या 169 से अप्लाई करेंगे, 39 जा 117 होता है, 17 का 7, 11 कैरी ओवर, 13 6 जा 78, 79 का 9, 8 कैरी ओवर एंड 13 एंड 8 21 मीन्स 2197 आ गया आपका वैल्यू। तो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन होल क्यूब। सो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 6 स्क्वायर मीन्स 36 प्लस 8 स्क्वायर मीन 64 होल 1/2 यहां पर ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको 100 टू दी पावर 1/2 और यहां 100 को लिखेंगे समथिंग के स्क्वायर के फॉर्म में तो 10 का स्क्वायर आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे साथ साथ में, ठीक है। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हम लास्ट में 10 का क्यूब कर देंगे और 10 का क्यूब आप जानते हैं 10 × 10 × 10 करने पे क्या आएगा, आएगा 1000 एंड दिस इज योर आंसर, ओके।